नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राठौड़ MMR टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में गूगल क्रोम के अलग अलग तरीके के जो एरर्स है, साइट इज़ नॉट प्राइवेट, सर्टिफिकेट्स, ऐसे तमाम तरीके के एरर्स चुटकी में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला आज के वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे खास इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा ही इस चैनल पे डालते रहता हूँ। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकॉन दबा दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे सैंपल के लिए मैंने एक वेबसाइट को ओपन करके रखा है और आप जैसे देख पा रहे हैं, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, ये शो किया जा रहा है। और इस तरीके के अन्य काफ़ी एरर्स गूगल क्रोम में आते रहते हैं। उन सभी एरर्स को आज का ये वीडियो के हर एक स्टेप्स को आप फॉलो करने के बाद आप आसानी से रिजॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले जो सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी वो है, आपका सिस्टम का अगर टाइम एंड डेट एक्यूरेट नहीं है, उसके वजह से भी गूगल क्रोम या फिर बाकी के वेबसाइट्स उनके डोमेन के साथ सिंक नहीं हो पाते हैं और नतीजा आपका वेबसाइट ब्राउज़र आपको एरर थ्रो करता है। उसे सॉल्व करने के लिए टाइम एंड डेट पे आपको राइट क्लिक करना है, चाहे फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपको राइट क्लिक करने के बाद एडजस्ट टाइम एंड डेट आपको मिल जाएगा। विंडोज़ की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर तरीके के ही एक सेटिंग्स आपको दिखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत इधर इधर हो सकता है, आप वो आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आपको सबसे पहले चीज़ करनी है सिंक नाउ। सिंक नाउ इस बटन पे क्लिक करना है और ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो टाइम जोन सिलेक्ट करके रखा है वो आपने चेन्नई, कोलकाता या मुंबई होना चाहिए, 5:30 टाइम यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आपको ये क्लोज कर देना है। नेक्स्ट स्टेप होगी, आपको ब्राउज़र का जो स्टोर डेटा है, कुकीज़, टेम्पररी फाइल्स, वेबसाइट की सेटिंग्स, ये सब जो स्टोर होती है ब्राउज़र उन्हें स्टोर करके रखता है, उसको आपको क्लियर करना है। उसके लिए आपको कंट्रोल एच दबाना है और क्लियर ब्राउजिंग डेटा इस टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करें, यहाँ पे टाइम रेंज ऑल टाइम यहाँ सिलेक्ट करना है और जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं वो सारे ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना है, फिर क्लियर डेटा इस बटन पे क्लिक करना है। सो, ये 1 से 2 मिनट का समय इसको लेगा। जैसे ही ये विंडोज़ गायब हो जाएगा, आपको फिर से पूरा गूगल क्रोम क्लोज करना है और एक बार फिर से ओपन करना है। इससे आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों, आपका जो गूगल क्रोम है कई बार आउट ऑफ डेट होने की वजह से भी वो वेबसाइट के साथ सिंक होना बंद कर देता है। उसके लिए जो राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स दिखते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है, हेल्प के अंदर जाना है और अबाउट गूगल क्रोम, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है खुद ही खुद अपडेट लेना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका ब्राउज़र ओल्ड डेटेड है तो फिर ये अपडेटिंग यहाँ शो करेगा, क्योंकि इस मशीन पे गूगल क्रोम ऑलरेडी अपडेटेड है, इसलिए इस अप टू डेट बताया जा रहा है, 96 वर्जन है। इससे भी आपके जो जितने भी गूगल क्रोम्स रिलेटेड एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है गूगल क्रोम एरर्स को हटाने का, वो है इनकॉग्निटो मोड, जिसमें आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर पाते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाना है और वो साइट जो भी है वो आपको एक्सेस करके देखना है। फॉर एग्जांपल ये साइट है और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए आपको रुक करना है अगले एडवांस स्टेप्स पे। जो एडवांस स्टेप है उसके लिए
एड्रेस बार में आपको क्रोम सेमी कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश नेट डैश इंटरनल्स ये जो यूआरएल है एड्रेस है इसे टाइप करना है और एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद जो भी वेबसाइट आपको एक्सेस नहीं हो रही है और उसमें आपको एरर्स आ रहे हैं उस वेबसाइट को आपको, फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट यहाँ पे लेता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद डिलीट इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे ब्राउज़र को क्लोज कर लें, फिर से ब्राउज़र को ओपन करें और वो साइट्स आपके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी वर्क करना। आपके पास सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो है एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू जो भी साइट है उसको प्रोसीड करना है इस लिंक पे क्लिक करके। मैंने क्लिक किया है, जो भी वेबसाइट आप ट्राई करना चाहते हैं एक्सेस करने का वो साइट्स आपको ओपन हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों सारे मेथड्स को फॉलो करके आपके जो भी गूगल क्रोम रिलेटेड इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे। और वीडियो के अंत में आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, गूगल क्रोम रिलेटेड ढेर सारे एडवांस और ज़बरदस्त वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाले हुए हैं जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, वहाँ जाके आप एक बार ज़रूर चेक करें, आपको वो वीडियोस भी बहुत पसंद आएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले किसी खास इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।